आजाद बगीचा में दही हांडी का पर्व योगवित्त परिवार द्वारा बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। प्रस्तुत है इस मौके पर सीटीवी की पावन प्रस्तुति। कृष्ण भगवान के जन्माष्टमी के अवसर पर अनेक जगहों पर दही हांडी का कार्यक्रम रखा गया है और ऐसे में सीटीवी न्यूज की टीम शहर के मध्य भाग में स्थित आजाद बाग में आज सुबह सुबह पहुंची, जहां पर योग मित्र परिवार द्वारा दही हांडी का कार्यक्रम बच्चों के लिए रखा गया था, जहां पर बालपन के रूप में भगवान कृष्ण बच्चों के रूप में दिखाई दे रहे थे और विधवत जहाँ पर वासुदेव जी भगवान कृष्ण को बाल रूप में गोकुल लेकर जा रहे थे, ऐसी अनेक झांकियां वहां पर मनाई गई तथा वहाँ पर कृष्ण का रूप धारण किए हुए बालक तथा राधा का रूप धारण किए हुए बालिकाएं तथा गोपियों के रूप में भी वहाँ पर बच्चे शामिल थे। बाद में इन बालकों द्वारा दही हांडी को फोड़ा गया। इस मौके पर वहाँ पर मौजूद परीक्षक प्रियंका चिताड़े से हमारे प्रतिनिधि ने बातचीत की, साथ ही वहाँ पर मौजूद इस दही हांडी के उत्सव में अनेक लोगों से बातचीत की। प्रस्तुत है इस पावन मौके पर हमारे तंत्र निर्देशक शैलेश गणवीर की ये विशेष प्रस्तुति। जय साई कृष्ण। इस समय हम लोग आजाद बाग में मौजूद हैं और यहाँ पर दही हांडी, जैसा कि सबसे पहले तो मेरे साथ हमारे प्रतिनिधि वैभव रिवारकर इस समय मौजूद हैं तथा सीटीवी न्यूज़ हर कदम खबर की ओर से आप सभी सीटीवी को प्यार करने वाले, सीटीवी को चाहने वालों को आज पावन दिन जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामना, क्योंकि आप लोगों ने सीटीवी को बहुत प्यार दिया है, बहुत अपनापन दिया है। आप सभी की दुआ की वजह से आज ये सीटीवी चैनल एक साल के अंदर ही लोकप्रियता की चरम कसौटी पर उतर चुका है और इस समय हम देख सकते हैं, इस समय हम आजाद बगीचे में वैभव से मैं आग्रह करूंगा थोड़ा सा इस माहौल को अपने कैमरे में कैमरा बंद करें। आप देख सकते हैं बस थोड़ी देर में वैभव को मैं फिर से थोड़ी देर में बताना, हालांकि यहाँ पर योग नृत्य यहाँ पर चल रहा है, ये उस समय खुशी बस कुछ समय में कान्हा जी यहाँ की यहाँ पर एंट्री होने वाली है और जिसके लिए आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर पूरा माहौल यहाँ पर सज चुका है। हर लोग यहाँ पर कान्हा की भक्ति में, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हैं कान्हा के रूप में यहाँ पर आए हैं। यह कहा गया कि प्रभु किस रूप में आएंगे, नर नारायण में ही है, इंसान के अंदर ही भगवान है, किसी भी रूप में आ सकते हैं, बशर्ते आपकी निगाह होनी चाहिए जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन देसी। अगर आपके दिल में भगवान है तो इंसान में ही आपको भगवान दिखेगा और यहाँ पर हर जगह ऐसा ही माहौल दिख रहा है। आप देख सकते हैं एक देख सकते हैं बहुत ही, मैंने कहा कि एक बच्चे के अंदर ही आप देख सकते हैं एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा यहाँ पर कृष्ण भगवान का रूप लेकर यहाँ पर आया हुआ है। मैंने कहा कि हर इंसान के अंदर तू ही समाया है और इस समय आप देख सकते हैं पूरा माहौल और देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग भक्त। अच्छा मुझे बताइए आज के दिन के बारे में बताइए, आज का दिन जैसा आज जन्माष्टमी है, थोड़ा सा इसके बारे में कहिए कि आप थोड़ा बताइए। आज श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है और इतनी बारिश थी और बारिश में उन्होंने उसका जन्म हुआ है। ये आठवां पुत्र है देवकी का और इसका पालन यशोदा ने किया। देखिए यहाँ पर लोगों का जोश, लोगों का उत्साह देखते ही बन पड़ रहा है और इस समय आप देख सकते हैं अब हम धीरे धीरे उस तरफ चल रहे हैं। मेरे साथ में वैभव यहाँ पर चल रहे हैं। देखो कि यहाँ का पूरा माहौल आप देख सकते हैं पूरा कृष्णमय हो चुका है, उनकी महिमा उनकी लीला इस समय हर तरफ चल रही। अब धीरे धीरे मैं उस तरफ वैभव व्यारकर के साथ में चल रहा हूँ जहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कान्हा भगवान जाए, क्योंकि यहाँ पर दही हंडी को यहाँ पर फोड़ने का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। दही हंडी जैसा कि आज पूरे देश में पूरे विश्व में दही हंडी फोड़ने का बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है और आज सुबह की पहली दही हंडी यहाँ पर आज़ाद बगीचे में, हालांकि आज शहर में अनेकों जगह पर दही हंडी का कार्यक्रम रखा गया है लेकिन पहली दही हंडी आप देख सकते हैं यहाँ पर बाल रूप में यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत एक अलग ही आनंदमय वातावरण यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर भक्त महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग देख सकते हैं सभी के चेहरे पर एक खुशी। अच्छा मुझे बताइए आज के दिन के बारे में आप में से कोई कुछ कहिए, आज के दिन का महत्व बताइए। जी आज के दिन का महत्व हमारे इंडिया में कुछ कम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज के दिन हुआ था और रात को 12 बजे कृष्ण का जन्म हो गया। आज हम वो आजाद बगीचा योग नृत्य परिवार की तरफ से बड़ी धूमधाम से मनाए जा रहा है। ले जा रहे कन्हैया को, कन्हैया को वासुदेव और यशोदा माता गोकुल में लेके जाने वाली है। हमारे पास यशोदा और वासुदेव जी तैयार है तो आप सभी भी उत्साह का आनंद लीजिए। अच्छा जैसा कि आपने देखिए जिस प्रकार हूबहू वैसा ही चित्रण यहाँ पर किया जा रहा है कि वासुदेव जी इस समय कन्हैया जी को गोकुल में लेकर जा रहे हैं,
ये दृश्य आप देख सकते हैं और आप वो दृश्य वैभव से मैं आग्रह करूँ एक बार देखें इस दृश्य को। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके ठीक पीछे यहाँ पर वासुदेव जी यहाँ पर कृष्ण भगवान को लेकर जा रहे हैं। हाथी घोड़ा पाल की एक बहुत ही अलग नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं वासुदेव जी एकदम वहाँ पर भगवान कृष्ण को इस समय गोकुल में ले जाने के लिए और साथ में बहुत सारे उनके भक्त गोपिकाएं भक्त बोलो कृष्ण भगवान की। एक अलग ही वातावरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये जैसा कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, वहीं यहाँ पर चल रहा है पूरे परिवार के यहाँ पर। और इस मौके पर हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की बोलो कृष्ण भगवान की जा रहे हैं। मेरे साथ में वासुदेव जी हैं और साथ में भगवान कृष्ण, बोलो कृष्ण भगवान की प्रकट हो चुका है। आपके सारे लोग नारे बोलो कृष्ण भगवान की। और आप देख सकते हैं यहाँ पर और मैं वैभव से मैं आग्रह करूंगा वैभव थोड़ा सा यहाँ का भी दृश्य दिखा, कितने आतुरता से यहाँ पर लोग झूम रहे हैं नाच रहे हैं जैसे कि यहाँ पर कान्हा पर का यहाँ पर आगमन हो रहा है। गोपाल भी आप बताएं इसका कान्हा जी आर इसके बारे में कुछ कहें। देखो कृष्ण जन्म यहाँ मनाया जा रहा है पूर्ण रूप से, दही हांडी का भी कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ रास गरबा भी खेले जा रही है। योग नृत्य परिवार इस भारत की हर संस्कृति को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को पूरी तरह मनाने जा रहा है। आप सभी का खासकर मोंटू भैया का भी हमेशा सहयोग मिलता है और हमें चाहते हैं कि इस परिवार की ऊंचाइयाँ इतनी ऊपर तक पहुँचेगी अगर आपका सबका साथ रहेगा। और आप देखिए कितना बढ़िया कार्यक्रम आपके माध्यम से हो रहा है तो आप सभी का सहयोग से ये सफलता हमें मिल रही है। सब कृष्ण भगवान की महिमा है गोपाल भाई, हम तो एक निमित्त मात्र है, बोलो कृष्ण भगवान की। देखिए गोपाल मुंद्रा जी ने यहाँ पर कहा कि अब दही हांडी का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर काफी यहाँ पर भक्त यहाँ पर झूम रहे नाच रहे। यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं जन्माष्टमी के पावन मौके पर यहाँ का माहौल पूरा कृष्णमय हो चुका है, जैसे कि भगवान कृष्ण पहले थोड़ा उसके बाद में राधा और अब गोपियों ने आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम तरह की यहाँ पर दही हंडियाँ यहाँ पर फोड़ी जा रही है और लगातार हम ये सारी एक्टिविटीज आप तक पहुँचा रहे हैं हमारे प्रतिनिधि वैभव रिवार के द्वारा। मतलब कि यहाँ पर अलग माहौल है और इस समय हमारे साथ में वासुदेव जी हैं जो अभी भगवान कृष्ण को लेके थे। वासुदेव जी जैसा कि आप वासुदेव जी का रूप बने थोड़ा सा इसके आज के दिन के बारे में कहें। वासुदेव ने क्या किया है, कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ है जब मथुरा से गोकुल की ओर जा रहे हैं
तो भगवान का जो अवतार है उनको अपना काम करने के लिए हम अपने घर में बजा रहे हैं। आज उनका जन्म हुआ है, आज उसको आनंद से उत्सव से मना रहे हैं। सभी चंद्रवासियों को जन्माष्टमी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको भी एक अलग ही अनुभूति होगी कि भगवान कृष्ण को बाल रूप में अपने साथ में लेकर, एक अलग ही आनंद भी आपको हुआ होगा। बहुत आनंद आता है क्योंकि हम ऐसा लगता है कि हमारे घर में कोई नए मेहमान पधारे हुए हैं और हर साल हम ऐसा ही मनाएंगे, ऐसे हमारी अपेक्षा। बोलो कृष्ण भगवान की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। माता रानी साईं की कृपा से इस समय हमारे साथ में ये जो बच्चों के जो ड्रेसिंग का है इसको जज करने के लिए प्रियंका चिताड़े मैडम यहाँ पर मौजूद है। मैडम, जैसे कि बच्चों को यहाँ पर ड्रेसिंग करने के लिए यहाँ पर जो काफ़ी सोशल है, साई की बहुत बड़े भक्त हैं और साई की सेवा हमेशा करते रहती हैं, प्रियंका थोड़ा अपने बारे में बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये आज़ाद गार्डन में जजिंग करने के लिए आई, और लोगों के ड्रेसिंग पूरा चेंज यानी ड्रेसिंग वगैरह देखना है मुझे, इन्हें जजमेंट लेने के लिए बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। और साई के दर पर भी आप जाए, साई सीढ़ी भी आप जाती हैं? हाँ, मैं साई की सेवा देती हूँ, मैं साई की बहुत बड़ी भक्त हूँ। तो ये आपने देखा कि प्रियंका हमारे साथ में थी, सब साई की लीला चल रही है हर तरफ पूरी दुनिया में, यहाँ पर जजिंग के रूप में यहाँ पर आई हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने कि इनको जो जिम्मेदारी दी गई कि बच्चों को ड्रेस का जो यहाँ पर पहन कर आए हैं अलग अलग परिधान में, उनको ड्रेस करने के लिए। जन्माष्टमी का कार्यक्रम हमने आजाद गार्डन में मनाया है, योग नृत्य परिवार की ओर से हमने बहुत ही सुंदर ये अवसर आज का, सभी ने बहुत ही खुशियों के साथ ये उत्साह मनाया, बहुत जल्लोष के साथ चंद्रपुर में आज योग नृत्य परिवार के पहली बार ऐसा आनंद के साथ उत्साह मना रहा है, बहुत खुशी सॉरी सभी को। सहयोगी वैभव रुयारकर, हमारे तंत्र निर्देशक शैलेश गणवीर, जिनके एक बहुत बड़ा जो भी कार्यक्रम रहता है, जो भी भक्तिभाव का जो कार्यक्रम रहता है, उनकी सबसे बड़ी उनकी भूमिका हमारे शैलेश गणवीर की रहती है। सीटी न्यूज़ के लिए मैं मोंटू सिंह, हमारे वैभव रुयारकर के साथ में शैलेश गणवीर की एक खास रिपोर्ट। जय श्री कृष्ण।